हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो आजकल बदलते लाइफस्टाइल के साथ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि बाहर का खाना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है घर पे खाना बनाने का, और हमारा ऑफिस आवर्स इतने ज़्यादा हैं कि ऑफिस का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, फिर फैमिली का स्ट्रेस, तो इन सब स्ट्रेस के साथ और इन सब अनहाइजीनिक खाना खाने के साथ साथ और बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ये सब खाने के साथ साथ हमारी लाइफ में आ रहा है एक और बीमारी, वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हालांकि हमें उसके सिम्टम्स बहुत जल्दी पता नहीं चलते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे करके बॉडी में डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो एक्चुअली अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है, और जब तक वो अपने सिम्टम्स दिखाता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो मैं आपको एक मायो क्लिनिक के तरफ से एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है, हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज मैनी कॉम्प्लिकेशंस, हाई ब्लड प्रेशर कैन क्वाइटली डैमेज योर बॉडी फॉर ईयर्स बिफोर सिम्टम्स डेवलप, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू डिसेबिलिटी, अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ और इवन अ फैटल हार्ट अटैक और स्ट्रोक। तो ये जब है तब उतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाएगा, बट हाँ इसके बाद में जब ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा तो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, जब तक ये अपने सिम्टम्स एक्चुअली दिखाना शुरू करता है। तो मुझे और नितिन को, हम दोनों को ब्लड प्रेशर थोड़ा सा वेरिएशन हमेशा से रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है कभी कभी और नितिन का बहुत हाई हो जाता है। तो ऑल्दो हम लोग कितनी भी कोशिश करें अपना स्ट्रेस लेवल मेंटेन करने की या अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने की, एक्सरसाइज करने की, बट स्टिल कहीं ना कहीं बिजी लाइफ की वजह से हम लोग चूक जाते हैं, कुछ ना कुछ करना रह जाता है, एक्सरसाइज रह जाती है, या कई बार हम लोग बाहर चले जाते हैं जहाँ से हम लोग ये बाहर का खाना बहुत मीठा, बहुत नमकीन ये सब खा लेते हैं, विच इज़ आई थिंक कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट, बट एक टाइम के बाद अब उसे बहुत ज़्यादा भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने एक्सरसाइज रूटीन को और ये बाहर के खाने को जितना अवॉइड कर सको उतना करना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहो और उसे मेंटेन करने की कोशिश करते रहो। अब घर पे बैठ के जस्ट कि हाई ब्लड प्रेशर है क्योंकि सर दर्द हुआ मुझे, लो ब्लड प्रेशर है जस्ट बिकॉज आई फेल्ट फेंट, तो डजेंट मीन कि ये करेक्ट तरीका है अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करने का। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एक प्रॉपर मशीन होना, जिससे आप डेली बेसिस पे, और डेली नहीं तो एटलीस्ट वीकली बेसिस पे अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सको और मेजर कर सको और अपनी प्रोग्रेस देख सको। तो हम लोग ने ऑर्डर किया है ओमरॉन का ब्लड प्रेशर मशीन, जो कि जिसका प्राइस है अराउंड 2580। ये 2500 का तो नहीं आया है, इसके ऊपर कुछ तो ऑफर रहता है अमेज़न पे एवरी टाइम, तो वहाँ से हमने लिया था ये, और ये बहुत ही हद तक एक्यूरेट ब्लड प्रेशर बताता है, बहुत हद तक एक्यूरेसी देता है। आपको इसको 3 बार ट्राई करना है और 3 बार इसकी रीडिंग्स लेने के बाद उसका एवरेज निकाल के यू विल गेट सम आइडिया कि कितना आपका ब्लड प्रेशर है। तो जब से हम लोग ने ये लिया है इसके बाद से थोड़ा हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होना शुरू हो गया, क्योंकि नाउ वी नो कि हम कब हाई हो रहा है और कब लो हो रहा है और किस किस चीज़ों की वजह से हाई और किस किस चीज़ों की वजह से लो होता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो इसकी वजह से हमें अभी काफ़ी हेल्प हुआ है और अभी बहुत टाइम से इट्स कमिंग जस्ट नॉर्मल, बिकॉज नाउ वी नो कि कौन सी चीज़ ख़राब कर सकती है एंड वी हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग दोज थिंग्स। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, और जब मैंने ये लिया था तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था इसे कैसे यूज़ करना है, तो इस वाली वीडियो में मैं दिखाना चाहती हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी कैसे रीडिंग लेनी है। तो इट कम्स विद वन मशीन जो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये एक्चुअल मशीन है जहाँ पे आपकी रीडिंग्स और ये सब शो होता है। यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, और इसके साथ साथ एक ऐप है जिसमें आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो और जो भी आपकी रीडिंग की हिस्ट्रीज हैं वो आपके फ़ोन में या आपके वॉच में वो आ सकती है। तो ये मशीन है, इसके साथ में ये सेल्स आते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इसको परचेज करोगे तो ये इसके साथ में ही आएंगे, उसके बाद वंस यू फील कि सेल वीक हो गए हैं, यहाँ पे बैटरी भी डिस्प्ले होता है, उसके बाद आप उसे चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आता है ये पाइप,
जिसको आप अपनी बॉडी पे लगा के अपना ब्लड प्रेशर एक्चुअली मेजर कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे यूज करना है। दैट्स इट आई थिंक। उसके बाद एक ये मैनुअल है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। अगर पेशेंस है तो बहुत अच्छे से इसे आप पढ़िए और पढ़ के चलाना सीखिए कि इसको कैसे चलाना है। बट अभी के लिए मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ कि इसको कैसे चलाना है। बाई द वे इसका मॉडल नंबर है HEM7124 इन केस यू वॉन्ट टू नो। तो ये कुछ इस तरीके से है। और सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ये यहाँ पे इसके साथ एक कनेक्टर है जिसको आपको यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इसका एक कनेक्टर है जहाँ पे आपको इसको कनेक्ट करना है। इसे कनेक्ट करके ये वाला जो बैंड है इसमें एक एरो बटन है, एक एरो मार्क है एक्चुअली, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके के एरो मार्क है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये एरो मार्क आपके बाजू के यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आए। तो इसे मैं अपने हाथ में पहन के दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर आ गया और इसके बाद मैं इसको एडजस्ट करूँगी इसके एरो मार्क के हिसाब से। तो ये देखिए इसका एरो मार्क मैं ऑलमोस्ट यहाँ सेंटर में लेके आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया इसको। तो इस तरीके से आपको अपने लेफ्ट आर्म पे इसको पहनना है। और ये रही मेरे हाथ में मशीन। तो अभी आप देखो तो ये अभी स्क्रीन ब्लैंक है। मुझे क्या करना है, इसको प्रेस करना है और प्रेस करके इसे स्टार्ट करना है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये स्टार्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब चलना स्टार्ट हो चुकी है और ये मेजर कर रही है। यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। और अभी दिखाने के लिए मैंने अपना हाथ जस्ट ऐसे बेड पे रखा है। बट व्हेन यू आर डूइंग इट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका हाथ किसी चीज़ पे, किसी पिल्लो के नीचे या कहीं पे बहुत रेस्टिंग पोजीशन में हो। क्योंकि अगर आपका हाथ मतलब नीचे रहेगा या रेस्टिंग पोजीशन में नहीं रहेगा तो उसकी वजह से थोड़ा रीडिंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप देख सकते हैं मेरा ये स्टार्ट रीडिंग आ चुकी है 179.92। तो ये अभी करंट रीडिंग है और इसे आप सेव कर सकते हैं आपके मोबाइल के ऐप में ताकि आपको ट्रैक रख सके कि पहले वाली रीडिंग कितनी थी और अभी वाली रीडिंग कितनी है। और इसके साथ साथ आप अभी इसको दो बार और करके एक एवरेज निकाल के देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत वेरी करती है ये, थोड़ी बहुत इसकी रीडिंग वेरी करेगी। और इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर अभी कैसा है और अभी क्या स्टेटस चल रहा है। और उसके हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करना या अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि अभी बीपी ज़्यादा हो गया है तो अभी मतलब मेडिसिंस पे जाना है या नहीं जाना है, एक्सरसाइज ही इनफ है आपके लिए। तो वो सब का आइडिया हो जाता है जो कि अभी मुझे लगता है आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से और आजकल जो मतलब सिचुएशन भी चल रही है अभी काम की, ऑफिस की, ये सब वगैरह ये सब चीज़ें, तो अभी स्ट्रेस बहुत कॉमन हो चुका है सब लोग की लाइफ में। और ब्लड प्रेशर मुझे लग रहा है 90% लोगों को शायद कुछ ना कुछ इशू रहता है ब्लड प्रेशर का, हाई लो ये सब रहता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका ट्रैक रखो, आप उसको मतलब चेक करते रहो और आप देखते रहो कि कैसा स्टेटस चल रहा है आपके ब्लड प्रेशर का। तो ये था आज के लिए। और ये है वो मशीन, अगेन ओमरोन की मशीन है और अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं पे भी मिल जाती है ये। आप ले सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि कल को अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो उसके बाद भी तो इतना इन्वेस्ट करना ही है। तो इससे पहले थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इसको ध्यान रखते रहो और मेजर करते रहो और अपनी हेल्थ का, अपने खाने पीने का और हर चीज़ का ध्यान रखो। दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।